नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। इन दिनों रीवा में भू माफिया सक्रिय हैं, जो सरकारी व गुमनाम पड़ी ऐसी जमीनों को अपना निशाना बनाते हैं, जिन्हें गरीब आम नागरिकों के निस्तार के लिए कई सालों पहले दान में दी गई थी। ऐसा ही एक मामला रीवा के वार्ड 5 में देखा गया है, जहां कई सालों पहले यहां के जमींदार ने गरीबों के निस्तार व उनके अंतिम संस्कार के लिए 2.5 एकड़ जमीन दान में दी थी। लेकिन समय बदलता गया, राजतंत्र से लोकतंत्र का समय आया और ऐसा भी वक्त आया जब शहरों की जमीन सोने से भी ज्यादा महंगी बिकने लगी। जमीनें महंगी होने के साथ ही ऐसे लोग भी सक्रिय हुए जो जमीनों की खरीद फरोख्त करने लगे और भूमाफिया बन गए, जो किसी भी वैध या अवैध जमीनों को औने पौने दामों पर खरीद कर उन्हें ऊंची बोली लगाकर बेचने देते हैं। और ऐसा ही हुआ है वार्ड 5 की इस 2.5 एकड़ जमीन के साथ, जो दी तो गई थी दान में, लेकिन उसके फर्जी दस्तावेज तैयार कर करीब 1.5 एकड़ भूमि तस्करों ने बेच दी और अब मुक्ति धाम के नाम से बची 1 एकड़ जमीन पर भी तस्करों की नजर है। स्थानीय लोगों व वार्ड 5 के पार्षद ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि उक्त जमीन ग्रीन बेल्ट व मुक्ति धाम के नाम से सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, जिसका कि रुपए के दाम पर फर्जीवाड़ा कर गलत दस्तावेज बनाया गया है। वहीं ग्रीन बेल्ट होने के कारण यहां किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है, इसके बावजूद भी प्लॉटिंग कर उक्त जमीन को बेचा जा रहा है। मुक्ति धाम की जमीन है, किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, किस प्रकार से ये जमीन थी, कितना यहाँ पर? हम आपको बता दें, ये वार्ड नंबर 5 दे रहा है, ये मुक्ति नाम और घर के नाम से जानी जाती है। मैं यहाँ का पार्षद भी हूँ, संजय सिंह संजू मेरा नाम है, और ये मुक्ति धाम संतोष पटेल करके हैं, इनके द्वारा बेची जा रही है। और ये आपको बताना चाहते हैं, ये ग्रीन जोन पहले बाढ़ आई थी 97 में, तो ग्रीन जोन का निशान भी लगा है, तो ग्रीन जोन और प्लस मरघट दर्ज है इस नंबर में, तो यहाँ प्लाटिंग शुरू कर दिए और प्लाटिंग शुरू कर दिए। आज जानकारी हुई तो यहाँ बोर भी करा दिया और चूना डाल के प्लाटिंग। अरे, पहले नगर निगम से परमिशन लेना चाहिए मकान का, फिर परमिशन मिलेगा कैसे? ग्रीन जोन है, ठीक, दूसरा धीरमा नाला है, दूसरा धीरमा नाला है और नदी है, ग्रीन जोन है, मरघट की जमीन है, आप कैसे फर्जी रजिस्ट्री करा के भैया वो कर लिए? और फिर आज आप रह रहे हो, कल आप दिक्कत करोगे कि मरघट में लहाज जलाते हैं, ये जलाते हैं, ये गरीब कहाँ जाएगी? गरीब जनता की आस्था यहाँ टिकी हुई है, यहाँ हमारे गरीब बस्ती के लोग हरजन बस्ती, कहरान बस्ती, पासी बस्ती, यादव बस्ती, पासी बस्ती, ये सभी बस्ती के लोग यहाँ दाह संस्कार करने आते हैं। कितने वर्ष पुराना है मुक्ति धाम? ये अब 40 वर्ष 42 साल का तो मैं हो गया, मेरे 10-15 साल पूर्व यहाँ दाह संस्कार किया जाता था। ये हमारे यहाँ के पवाईदार हैं, पाड़े जी हैं, उन्होंने इन गरीब जनता को दान में दिया था। यहाँ दान में पहले बोले थे कि 2.5 एकड़ के माता जी, 2.5 एकड़ हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग गरीब जनता हैं, ये जनता उन्हीं की सेवा करती थी, पवाईदार थे, तो बोले कि हम आप लोग को, चलिए ये मरघट की जमीन दान में दिए देते हैं, आप लोग इलाहाबाद नहीं जाओगे, गरीब हो, आपके पास पैसा न पूजेगा, तो आप लोग यही दाह संस्कार का। तब से वो लोग कंटिन्यू यहाँ, कम से कम 99% दाह संस्कार में मेरी उपस्थिति लगी हुई है। ये जमीन कौन बेच रहा प्लाट? ये संतोष पटेल करके हैं। कैसे वो बनवा लिए कागज पत्र? ये क्या है, अब आप तो जानते हैं रेवेन्यू का केस, सब पैसे का बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, रुपया में के तमाशा हो रहा है, गरीबों के साथ रुपया के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पांडे जी ने दिया दान में जी, आए थे ना पांडे जी, कहां पांडे जी आए थे, पांडे जी की जमीन भी बेच लिया पांडे जी 2.5 एकड़ जमीन में, 2.5 एकड़ जमीन में, 1 एकड़ हम मानते हैं कि हमको दान में दिया गया, 2.5 एकड़ जमीन दर्ज थी, तो 1.5 एकड़ ये मकान बन गए, 1.5 एकड़ जमीन उनकी भी बेच लिया वो। अब यहाँ पे कितनी जमीन बची है? अब यहाँ 1 एकड़ के आसपास है जो हमारे मरघट के नाम से दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी से आप पार्षद हैं, उन्हीं की सरकार है, किस प्रकार से जनता की मदद कर पाएंगे आप, कैसे, कहाँ तक हम लड़ाई लड़ेंगे, कहाँ तक जाएंगे? हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे, हम लड़ते आए हैं लड़ाई,
ये हमारी पहले ये नहीं है, हमारी मांग ये पहले नहीं है। पहले यहाँ मंदिर बनाकर बेची जा रही थी, आज से 4-5 साल पहले, क्या साल पहले है ना। फिर हम लोग जो है जाके कलेक्टर महोदय से मांग किए कि यहाँ मंदिर बनाई जा रही, कौन पानी चढ़ाने जाएगा, कौन पूजा करने जाएगा, मरघट की जमीन में कोई पूजा करने जाता नहीं जाता, इसलिए कलेक्टर महोदय ने रोक लगा दिया था कि वहाँ कोई मंदिर न बनाई जाए। आज आप पिलर देखें, फिर इसी को प्लाट बना के बेच दिया, पिलर दिखा के कि ये मंदिर का नहीं, ये प्लाट है, हमारा प्लाट है, इसको प्लाट बना के बेच दिया। अब क्या मांगे, क्या है, क्या हमारी मांग ये है कि यहाँ काफ़ी लोगों की आस्थाएँ लगी हुई हैं, यहाँ बाउंड्री वाल कर दिया जाए, एक कमरा बना दिया जाए, और ताकि बाउंड्री हो जाए तो यहाँ जो घर बन गए हैं इनको भी तकलीफ ना हो भाई। निश्चित तौर पर लहाश रख देखते हैं लोग, है ना, तो लहाश ना दिखाई दे, हमारा बाउंड्री के अंदर दाह संस्कार हो जाए नियमित ढंग से, यही हमारी मांग है। बन रहा है ये, किस कब से जमीन थी यहाँ पर मठगड़ाई की? सुनी कैसा पांडे रहे, कौशल रहे, संपत कुमार रहे, ता ये कौशल माझी ना है, कैसा के माझी भाई, तो हूँ जब बंटवारा करे लागे, जमीन उनके पास खूब रही, जब बंटवारा करे गए तो हम कहीं कि यह कहो संपत कुमार कहीं कि हमारे तुम्हारे पास पैसा है तो हमारा तुम्हारा लड़का लग जाए इलाहाबाद, और हम गरीबन के बच्चे बुजुर्ग हो जाएंगे सियान भी तो कहाँ ले जाएंगे, उनके पास तो पैसा नहीं है, तब यह मरघटैया गरीबन के लेके जी दीन थे, कौशल जी दीन थे, कौशल जी संपत कुमार तू जान करीन थे, हाँ भाई भाई आई आ कैसा खत्म हो गए रहे। अब यहाँ पे अतिक्रमण किया जा रहा है किस प्रकार से? यह तीन ज्यादा किए जम बन पर थे, रोज पिलर का क्या के बोर करवावे थे रात रात, अब हम लोग मर जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे, पिलर हो जाए जिनके पास पैसा है तो इलाहाबाद जाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है बोर कौन करवा रहा, बोर अब यह हम नाम तो उनको नहीं जानते पटेल का। अब आप क्या चाहती हैं यहाँ पर? हम यह चाहते हैं कि हमारी मरघटैया सुरक्षित रहे, बोले दे मरघटैया हमारा सुरक्षित रहे, जो कोई गरीब को कुछ होता है तो वह इसको पूजा किया जा रहा है किसके द्वारा? इसी प्रकार से ये सब फर्जी करा के और कागज बनवा के पैसे के दम पे सारी फर्जी जमीन करा के और बेच रहे हैं, और ये मरघटैया 200 साल की पुरानी है, है, और यहाँ अम्मा लोग बहुत पुरानी है, 200 साल की पुरानी है, तो यहाँ अब जो बड़े आदमी हैं वो तो इलाहाबाद ले जाएंगे, हम गरीब जनता कहाँ लेके जाएंगे बताइए, हम अपने हमारे जो बुजुर्ग बूढ़े हैं जो जाएंगे तो उनको तो हम यहीं ले आएंगे, तो हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम लोग भी फर्जी काम करा लेंगे, तो जो जितने भी बड़े बड़े लोग हैं हम चाहते हैं कि जो 1 एकड़ जमीन दी गई है लोगों के लिए तो वो सिर्फ गरीब जनता की ही रहे, किसी और को नहीं दी जाए, और ये जो पिलर उलर करा रहे हैं पूरे बाउंड्री होनी चाहिए पूरे ग्राउंड की, और जो भी हैं जो दूसरों के दरवाजे में जा बैठते हैं उनको नहीं बैठना चाहिए, वो अपनी जगह पे बैठें और उसी जगह रहें, इसी वजह से जो मरघटैया जो लोग हैं ना रात रात बोर करा रहे हैं, रात रात पिलर करा रहे हैं, ये सब गलत चीज़ है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, अगर जो ये वो ये चाहते हैं कि पैसे के बल पर वो कर लेंगे तो हम भी जनता हैं, हम भी जाएंगे कोर्ट जाएंगे, कलेक्ट्रेट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जहां भी जाना होगा हम वहीं जाएंगे, पर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीलम सोंधिया है, हम रहते डिकाह करान बस्ती।